This is a question from Faraz. He is in Italy. He completed his master's in industrial plant engineering and technologies in 2024. He's 26 years old. He says, "I am a Pakistani with BE Electronic Engineering, and I recently completed my master's in industrial engineering in Italy. I can't find a job here in Italy. I recently learned about Allnafe and will soon subscribe to AIOps. Can I directly access the advanced courses and skip the basic ones, completing only the labs to access Al-Razzaq, as I need a job soon? Along with my studies, I'd be doing odd jobs." देखो यार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबको बोलता हूँ, तुम अमेरिका में जाके पढ़ो, कनाडा में जाके पढ़ो, तुम यूके में जाके पढ़ो, इटली में पढ़ो, जर्मनी पढ़ो। ये रियलिटी है। लोग ना मेरी बात सुनते नहीं है। दे डोंट लिसन, दे डोंट पे अटेंशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। बिकॉज देखो, बार बार, अब मैं दोबारा वही चीज़ तो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि तुम लोगों के फिर दिमाग दुरुस्त हो। लेकिन वही है ना कि स्टिल पीपल वोंट नॉट लिसन। ये तुम दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लो, ठीक है ना, द यूनिवर्सिटी इज फेलिंग यू। द रीजन इज, ये हार्वर्ड बिजनेस का आर्टिकल है, एम्प्लॉयर नीड स्किल्स नॉट जस्ट नॉलेज और टाइटल्स। अमेरिका दुनिया के जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर कह रहे हैं कि भाई 7.4 मिलियन ओपनिंग्स हैं, ठीक है ना, और लोगों के पास नौकरियां नहीं है कि वो काम कर सकें। लोग ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास स्किल्स नहीं है। एम्प्लॉयर को स्किल चाहिए। तुम सिर्फ कैनेडा, इटली में तुम बैठे हो ना, तुम दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, तुम लम से कर लो, GIK से कर लो, फास्ट कर लो, इंडिया में IIT से कर लो, अमेरिका में कर लो, कहीं पर भी कर लो। तुम्हारे पास प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास नॉलेज और टाइटल मिल रहा है, एम्प्लॉयर्स जो है ना स्किल्स मांगते हैं। तुमको चाहिए जॉब, तुम्हें यूनिवर्सिटी ने नॉलेज और टाइटल दे दिया, और तुम्हें चाहिए जॉब, जॉब तुम्हें मिली नहीं रही, ठीक है ना। क्यों नहीं मिल रही? तुमने पढ़ा ही नहीं, बिकॉज तुम्हारे पास वो है ही नहीं, कोई स्किल ही नहीं। क्योंकि जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसके पास, उसको पता ही नहीं है। तुम जरा जाके पूछो उससे, यार तुम ना एक, अगर तुमने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का किया है ना, तुम इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की जॉब्स देखो, स्केडा सब चीजें उसमें सब आती हैं, और तुम बोलो यार ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। तुम जरा जाके से पूछो यार, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में 3 पॉइंट्स मैं तुमसे पूछता हूँ, उसमें काम कैसे करना। वो तो पहले तुम्हारी शक्ल देखेगा, फिर तुम्हें इटालियन में बोलेगा इधर आओ, थप्पड़ मारेगा, और अदे वाची तुम्हें बोलेगा गुड बाय, जाओ, ठीक है ना। ठीक है, तो थोड़े से मुझे इटालियन आती है, बोलेगा जाओ, ठीक है, बोलेगा अपना काम करो। मैंने अपना काम कर लिया, ये मेरा काम था कि तुम्हें नॉलेज और टाइटल दे दिया, तुम मुझसे जॉब मांग रहे हो, जो मेरा काम नहीं। दिस इज द फंडामेंटल रीजन यूनिवर्सिटी मॉडल्स आर फेलिंग। दिस इज नॉट मी, दिस इज हार्वर्ड, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। वो खुद बोलते हैं हमारे पास डिग्री कर लो कोई फायदा नहीं, हमारे पास ये कर लो कोई फायदा नहीं। 40,000 की डिग्री होती है, $40,000 की डिग्री होती है हार्वर्ड से, अगर आपको घर से बैठ के करनी है, ठीक है। और मेरे पास फोन आया, जी हम आपको अच्छा पैकेज देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, सही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या है? मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, मैं थोड़ा मजे ले लेता हूँ। मैंने कहा हाँ क्या कर रहे हो भाई तुम? जी आपकी बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन ही है, वो है। $40,000 लगेंगे आपको और मिल जाएगा, ठीक है ना। उनका नाइट स्कूल कहते हैं, 200-300 साल से चलता आ रहा है, 200-250 साल से चलता आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उस डिग्री से मैंने कहा मुझे जॉब मिलेगी? दैट्स नॉट अवर जॉब, अवर जॉब इज टू गिव यू द डिग्री, योर जॉब इज टू सर्च फॉर द जॉब। खैर हमारा काम है तुम्हें डिग्री देना, तुम्हारा काम है खुद काम तलाश करना। अभी मैंने बोला यार, गोरे को बोला, सो दैट मीन्स मैं 40,000 का डेट ले लूं और फिर भी मैं अनएम्प्लॉयड रहूं? मैंने कहा जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज व्हाट यू सेड राइट? उसने कहा हाँ, मतलब कि आई मीन इफ यू से इट फ्रॉम दैट इन दैट वे, यस दैट्स ट्रू, ठीक है ना। सो दैट इज अ रियलिटी। यहाँ पर ऑन एवरेज लोगों के ऊपर इतना स्टूडेंट डेट है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के पास भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। जब स्टूडेंट जाता है ना बाहर, बोलता है यार मैं अमेरिका पहुंच गया, ओ जबरदस्त, यार मैं ना यूके पहुंच गया, और सब हट जाओ, ठीक है ना, सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, ठीक है ना। बंदा आ गया मार्केट में, बंदा आ गया, वो फेसबुक पे जाएगा, तस्वीरें लगाएगा, कभी यूं खड़ा होगा, कभी यूं खड़ा होगा, कभी क्या पोज बनाएगा, बोलेगा यार मैं तो बाहर आ गया, पहाड़ों पे चला जाएगा, दरिया पे चला, समंदर पे चला जाएगा, इंतहाई बेवकूफी वाला काम।
एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं डिग्री करूंगा मेरी जॉब हो जाएगी, वर्क परमिट हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो तुमने किया, और तुम जितने लोग जा रहे हैं, मेरे अपने खानदान में लम से पड़ा, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए लगाकर यूके चला गया, एक और मैं स्लम से बैचलर्स किया, मास्टर्स कर लिया, कुछ नहीं मिला, उसके बाद अमेरिका चला गया, बाप के पास पैसा था ना, बाप का हॉस्पिटल है, ठीक है ना, अमेरिका चला गया, पीएचडी कर, खत्म होने वाला है, अभी भी जॉब नहीं मिली, मेरे पास मिलने आ रहा है, मैं पाकिस्तान बोल रहा था यार तुम बैठ के पढ़ लो ये वो, नहीं जी मैं आपसे फिलोसोफर ना, मतलब कि हर कोई फिलोसोफर बन जाता है, फैसल भाई आपसे पूछना है, मतलब कि ना आप सैयद कुतुब को ही क्यों फॉलो करते हैं, मैंने बोला भाई बात सुन यार, तेरे पास नौकरी नहीं है, वीजा खत्म हो जाएगा, वापस पाकिस्तान आ रहा होगा, ठीक है ना, उसको छोड़ दो, तुम सैयद कुतुब क्यों फॉलो करते हैं, जाओ पहले तुम दीन फॉलो करो यार, अगर इतना शौक है जाके पढ़ लो उस बैठ कर, ठीक है ना, इधर उधर घुमा रहा था, मैंने कहा इधर नीचे आ जाओ भाई, ऊपर मत उड़ो, नीचे आओ, नीचे बैठो, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है, अब मेरे पास मिलने आ रहा है, ठीक है ना, मियामी से, फ्लोरिडा से वापस जाएगा, मैंने कहा अगर तुमने नहीं, मैंने कहा अब मैं नहीं बोलता किसी को, मैंने कहा मैं नहीं पढ़े, जाओ यार काम करो, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, ठीक है, मैं तुमको बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, ऑन द डे ऑफ जजमेंट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाएंगे, बोलेंगे हमें शिफात चाहिए, फरिश्ते बोलेंगे किस बात की शिफात भाई, डिड यू फॉलो द दीन, बोलेंगे हाँ, मैं दीन फॉलो कर रहे थे, फला फला मौलाना ने हमें बोला ये करो, फला फला, उन्होंने कहा डिड यू रेड इट समवेयर, रेड इट समवेयर, बोलेंगे नहीं जी नहीं, ये तो हमें कर ही नहीं सके, ठीक है ना, तो बोलेंगे यार ये क्या कहानी हो गई, ये तो यार कहानी खराब हो गई, सो दैट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज के वी डोंट लिसन, बोलेंगे जिसको तुम फॉलो कर रहे थे ना वहां दोजख में पड़ा हो, जाओ उसके साथ जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते, बोलेंगे यार ये क्या कहानी हो गई, सो गो एंड स्टडी द दीन योर सेल्फ, ठीक है ना, एंड आस्क क्वेश्चंस एंड गो एंड स्टडी, के जो तुम पढ़ने जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस, एक बड़ा जबरदस्त स्कॉलर था, बड़ी छोटी उम्र थी, तफसीर लिख रहे थे, खत्म हो गई, इनका नाम है डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा, शहीद शहीद है बेचारे, इनको शहीद कर दिया था, मार दिया था, एनकेएम ने मारा था, किसने मारा था पता नहीं, इसी तरह कुछ हुआ था, और बड़ी अच्छी इन्होंने किताब लिखी, कुरान पढ़ना सीखी इनके ना, बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा, बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से करके सब लिखा बताया, तो मैं भी इस तरह की किताब लिख रहा हूँ, इस लड़के को क्या करना चाहिए, जाओ AI ऑप्स पढ़ो, देर इज नो शॉर्टकट, वो कह रहा ना मुझे शॉर्टकट बताएं, शॉर्टकट नहीं है भाई, यू हैव टू गो द लॉन्ग राउट, लिसन टू द कोर्सेज, कंप्लीट ऑल द डेवऑप कोर्सेज एंड सिसऑप्स कोर्सेज, हाँ मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ, अल रजा की लैब्स इस तरह किसी को नहीं मिलती, मुझे लड़का आया घर पे, आया मेरे पास, आप पैसे ले लें, मैं आपको $10,000 देता हूँ, अल रजाक में मुझे प्रोग्राम में बस आप आगे ले जाएं, और मुझे, मैंने कहा यार ये दरवाजे देख रहे हो, ऐसे बाहर निकलो शाबाश, बाहर जाओ शाबाश, दोबारा नहीं आना मेरे पास, नहीं फैसल भाई मेरी बात सुने ये वो, मैं पैसे लेकर आया हूँ ये वो, मैंने कहा दफा हो जाए यार यहाँ से, ठीक है, सो ये सबसे आसान काम है, पैसे लेकर किसी को जॉब पे बिठा देना है या किसी को शॉर्टकट बताना, देर इज नो शॉर्टकट, मेरी खाला का बेटा जर्मनी गया, मेरी बात नहीं सुनी, मैंने उसको फ्री में कोर्स दिया ना, मैंने कहा जाओ ये कोर्स पढ़ लो, अभी कर लो, ठीक है ना, और जाके कर लो, उसके बाद फिर मेरे पास जो है ना, जब तुम जाओगे जर्मनी तुम्हारी जॉब हो जाएगी, और उसने कहा बस वो होता है ना IBA से पढ़ा हुआ था, पाकिस्तान में 2.5 लाख रुपए की नौकरी थी, सब कुछ था, 5 साल में 2.5 लाख तक पहुंच गया मीजान बैंक में, इंसान नहीं सोचता, इंसान बोलता है यार ये फॉरगेट दिस मौलवी गाय, आई मीन जस्ट लीव हिम, हालत देखो इसकी ये वो सब कुछ, हाँ फिट आदमी है, बहुत जबरदस्त है, तकड़ा आदमी है, लेकिन यार क्यों इसकी बात सुने, व्हाई शुड आई लिसन टू हिम, लुक एट मी आई एम मच मोर स्मार्टर देन हिम, ठीक है ना, आई एम मच मोर गुड लुकिंग देन हिम, व्हाई शुड आई लिसन टू दिस गाय, नहीं सुनी, चला गया, अब कोर्स खत्म होने वाला है, जॉब नहीं मिल रही यार क्या करूं, मैंने कहा तुमने कोर्सेज पढ़े, नहीं, खाला का फोन आया, इसको डाल दो ये कर दो, मेरी माँ से बात, उसको पता है मेरे से बात करेगी नहीं होगा, मेरी माँ से बात करें, मेरी माँ ने कहा इसको कहीं जॉब पे लगा दो, मैंने कहा जॉब है मैं भिजवा सकता हूँ, फोन उठाऊंगा भिजवाऊंगा इसका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा पहले ये अल रजा की रिक्वायरमेंट पूरी करे, कह रहे बस हमारा अपना खानदान का बच्चा है ये वो, मैंने कहा अल्लाह के सामने क्या जवाब दूं, बात खत्म हो गई, मैंने कहा नहीं गलत है, इट डजेंट मैटर, मेरी माँ कह रही है पठान है ये है, मैंने कहा मुसलमान है, मैंने कहा जब मेरा छोटा बच्चा था मैं उसको प्यार से क्या बोलता था, अब्दुल्ला मुसलमान है अब्दुल्ला पठान था, प्यार से मैं उसको यूं करके प्यार करता था,
ठीक है, मैंने कहा पहले मुसलमान है फिर पठान है, थोड़ी पहले पठान है फिर मुसलमान है, मैंने कहा गलत है, दिस इज रॉन्ग, पठान बने ठीक है, बने पहले पहले मुसलमान, मैंने कहा जाओ पहले वो सारे काम पूरे करो फिर मैं इसको आगे भेज दूंगा, दैट इज द थिंग। अलरजात में तुम्हें पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। हाँ मैं तुम्हें शॉर्टकट थोड़ा सा बता देता हूँ, अलरजात का नहीं है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम डीसीसी के सारे लेक्चर्स को सुनो, डेवऑप्स हिसाब के तमाम कोर्सेज को खत्म करो, इंटर्नशिप के सारे एमसीक्यूज को खत्म करो, एजुकॉल पार्ट वन के एग्जाम्स को खत्म करो, तुम्हारा सीवी बनवा देता हूं मैं, सीवी बन जाएगा, फिर तुम जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। इस पूरे प्रोसेस में 5 से 6 महीने चाहिए, शॉर्टकट कोई भी नहीं, 5 से 6 महीने तुम्हें लगाने पड़ेंगे, नहीं करोगे वापस पाकिस्तान आ रहे हो। कर लिया, पढ़ लिया अच्छे तरीके से, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद कर सकता, बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, यू मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस, कुछ भी हो जाए, नथिंग इज देयर फॉर यू अंटिल यू गो थ्रू द प्रोसेस। कल मेरे बच्चे ने, मैं कल लकड़ियां तोड़ रहा था, काट रहा था सारी, पीछे हमारे पास फायर पिट है, ठीक है, मेरा बच्चा आया, ने कहा कि देखो कितना अच्छा है बाबा जिमी, इसको हम ये जो है ना, पहले उसने सवाल किया क्या ये जन्नत में जाएगा, तो मैंने उसको जब मैं जो कोई हदीस शेयर करता हूँ ना अपने पेज के ऊपर, तो उसका कोई मायने होता है, उसका कोई रीजन होता है, क्योंकि ना मैं उस चीज से गुजर रहा होता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसलिए शेयर करता हूँ। तो मैंने उसको ये हदीस अपने बच्चे को बताई, ठीक है ना, ये वाली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, ये इसमें बड़ी अच्छी चीज है, इसमें फरमाया माई सन आस्क मी दैट अवर नेबर्स आर वेरी गुड, विल दे गो टू जन्ना, तो मैंने बोला उम्मे सलमा, ठीक है ना, रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी ये हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से, हिशाम इब्न अल मुगीरा यूज टू फीड द हंगरी, उसने हिशाम अल मुगीरा जो था वो भूखों को खाना खिलाता था, गेस्ट को मेहमान नवाजी करता था, अपने फैमिली वालों के ख्याल करता था, गुलामों को आजाद करता था, अगर इस्लाम वुड हैव रीच्ड हिम ही वुड हैव एम्ब्रेस्ड इट, उसने कहा अगर इस्लाम उसको मिल जाता वो एम्ब्रेस कर लेता, तो उसने कहा कि विल ही बी रिवॉर्डेड ऑफ एनी ऑफ इट, उसने कहा कि क्या अब इस्लाम तो नहीं मिला उसको, तो वो मर गया, अब क्या होगा उसके साथ। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस एंड ब्लेसिंग वन सेड वेरीली योर अंकल यूज्ड टू गिव चैरिटी फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड एंड टू बी रिमेंबर्ड फॉन्डली देयर इन, ही डिड नॉट से फॉर इवन अ सिंगल डे फॉर गिव मी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी अल्लाह से माफी नहीं मांगी, कुछ किया ही नहीं, तो वो क्या होगा। मैंने कहा बेटा नहीं, इट डजंट मैटर, बहुत अच्छा सब कुछ है इस दुनिया में, उसको अल्लाह सब दे देंगे, आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, मैंने कहा। तो मेरे बच्चे ने कहा कि मैं उसको हम कैसे दावत दें, मैंने कहा साहबा ये नहीं बोलते थे जी हम आपके मोहल्ले में आए हैं ईमान यकीन की बात करने के लिए आए हैं, ठीक है ना, मस्जिद में ठहरे हुए हैं, आप आइए नमाज के बाद ईमान यकीन की बात होगी, सब तशरीफ रखिए फलाना फलाना ये वो, मैंने कहा दे गिव दावा थ्रू देयर एक्शंस, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ठीक है ना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छे मामला करो, फाइनेंशियल मामला अच्छे रखो, हर चीज अच्छे रखो, उनको खाना दो, उनको सब कुछ करो, उनकी मदद करो। मैंने कहा फिर बोलेंगे यार ये बंदा कौन है, तो लोग बोलते तुम कौन हो, साहब को बोलते मैं मुसलमान हूँ, यार मुझे भी मुसलमान हो, सो मैंने कहा दैट्स द कोर थिंग, कहा ठीक है बाबा, मैंने समझ गया ना, मैंने कहा दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, सो इफ यू फॉलो द पाथवे जो मैं तुमको बता रहा हूँ विल बी सक्सेसफुल, एंड दैट पाथवे गोज थ्रू हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट।